दोस्तों आप सभी को पता है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में दो बड़े टाइगर हैं जिनका आज हम कलेश करवाने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि दोनों टाइगर की शानदार फिल्मों ने करा था अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए का कलेक्शन। तो दोस्तों अगर आप टाइगर श्रॉफ यानी कि दोस्तों टाइगर श्रॉफ के एक बहुत बड़े फैन और आप सलमान खान के भी एक बहुत बड़े फैन हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए शुद्ध हिंदी में सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। वेल फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि टाइगर जिंदा है फिल्म है जो कि पहली फिल्म का सीक्वल है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म का बस काफी हाई लेवल का क्रिएट हो चुका था। वहीं पर दोस्तों जब इस फिल्म का ट्रेलर हम सबके बीच में रिलीज हुआ तो दोस्तों सबकी आंख फटी की फटी रह गई क्योंकि दोस्तों सलमान खान सर ने इतनी बेहतरीन फिल्म बना के रख दी। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करा अली अफ़ास जफर ने और फिल्म को प्रोड्यूस करा था आदित्य चोपड़ा ने। फिल्म का बजट 210 करोड़ रुपए था और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में 565 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन करा। इसी के साथ में दोस्तों इस फिल्म को हम सबके बीच में 22 दिसंबर 2017 में रिलीज कराया गया था। तो दोस्तों जहां पर इस फिल्म का बस इतना शानदार बना हुआ था इसी के साथ में दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन की ओपनिंग भी काफी शानदार ली। जी हां दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन 34 करोड़ 10 लाख रुपए का शानदार कलेक्शन करा और दोस्तों सबकी बोलती बंद कर दी। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म का ट्रेलर भी सुपर डुपर हिट रहा था और फिल्म के सभी सॉन्ग्स को शानदार रिव्यू देखने के लिए मिले और दोस्तों शानदार व्यूज देखने के लिए मिले और कई सारे सॉन्ग्स तो इस फिल्म के 500 मिलियन व्यूज भी क्रॉस कर चुके थे। इसी के साथ में दोस्तों अगर हम बात करें बागी फिल्म की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह भी बागी फ्रेंचाइज के थर्ड सिक्वल है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों फ्रेंचाइज की सफलता के बाद में इस फिल्म का थर्ड पार्ट हम सबके बीच में तहलका मचाने आ चुका है और ताबड़तोड़ कलेक्शन करने के साथ में यह फिल्म सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। जी हाँ दोस्तों फिल्म के अंदर टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और अंकिता लोखंडे जैसे बेहतरीन एक्टर काम करते हुए नजर आएंगे और फिल्म के अंदर हमको अहमद खान के डायरेक्शन देखने के लिए मिलेगी। वहीं पर दोस्तों फिल्म के अंदर वीएफएक्स काफी प्यारे लगाए गए हैं और दोस्तों साजिद नाडिया वाला इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए प्लस है और फिल्म को हम सबके बीच में 4 से 4.5 हज़ार स्क्रीनों पे लॉन्च करा जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिल्म के ट्रेलर की तरफ। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इस फिल्म के ट्रेलर को हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर काफी बेहतरीन तरीके से रिव्यूज देखने के लिए मिले और दोस्तों फिल्म का ट्रेलर बन गया सुपर डुपर हिट। वहीं पर दोस्तों फिल्म के सभी सॉन्ग सुपर डुपर हिट रहे और दोस्तों इससे कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से फिल्म का बस क्रेज और दोस्तों शानदार ऑक्यूपेंसी देखने के लिए मिल रही है यह फिल्म अपने पहले दिन लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेते हुए नजर आ रही है। और दोस्तों अगर यह फिल्म 35 करोड़ की ओपनिंग भी ले लेती है तो टाइगर श्रॉफ यानी कि दोस्तों टाइगर जिंदा है फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देंगे टाइगर श्रॉफ की शानदार फिल्म बागी 3। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म 30 से 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले लेगी क्योंकि दोस्तों फिल्म का ट्रेलर काफी दमदार है। वैसे दोस्तों अगर आप टाइगर श्रॉफ के एक बहुत बड़े फैन हैं और आपको लगता है कि यह फिल्म टाइगर जिंदा है फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ में आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको मिलेगी बागी 3 से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट शुद्ध हिंदी में सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।